जैन साथियों, कैसे आप सब? मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे एसएसबी 1522 पोस्ट के लिए, ड्राइवर पोस्ट एग्जाम पैटर्न सिलेबस। हाँ जी भाई, सही सुना आपने। आपका दोस्तों एसएसबी में ड्राइवर की पोस्ट जो निकली हुई है गाइस, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में गाइस बात करने वाले हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, आपका दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, आपको हम ए टू जेड पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप गाइज एसएसबी के अभ्यर्थी हो, आप एकदम स्टिक रियल जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल एक्सपे नॉलेज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज, मैं आपका जायज सुना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो चलते हैं एक बार नेक्स्ट पेज पे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, एक बार आप ऊपर एसएसबी 1522 पोस्ट के बारे में गाइज बात करें, आपको पता भी होगा। एंड गाइज यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले गाइज बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वो आपका किस प्रकार से होने वाला है। गाइज पहले बात करते हैं पीईटी के बारे में। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सबसे पहले आपका भाई इसमें होना है पीईटी, मतलब आपकी जो रनिंग होती है 4.8 किलोमीटर, जो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है फिजिकल के बारे में। आपको वीडियो देख लेनी है कि आपका फिजिकल प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। मैंने आपको दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिकल के रिगार्डिंग। आपको दोस्तों वीडियो देख लेनी है। वीडियो देखने के बाद गाइज आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा फिजिकल को लेके, फिजिकल में आपका क्या क्या होने वाला है, मैंने आपको ए टू जेड पूरी जानकारी उस वीडियो में बताई है आपको। आपको गाइज वीडियो देख लेनी है, या फिर दोस्तों मैं एक काम करूंगा, उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाओगे फिजिकल टेस्ट वाले को, ठीक है। एंड गाइज आगे बात करते हैं पीएसटी के बारे में। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें गाइज आपका हाइट चेस्ट वेट होता है। वेट दोस्तों आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम दोस्तों बात करें मिनिमम वेट के बारे में, आपका 50 केजी से कम वेट नहीं होना चाहिए। 50 से ज्यादा हो चल जाएगा, 50 से कम हो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आगे इस बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। आपका जो गाइज पीएसटी पीईटी के बाद आपका दोस्तों इसमें होना है रिटन एग्जाम, जो कि आपका दोस्तों होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको दोस्तों एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन मिलेंगे, आपको गाइस चारों में से एक आंसर पे टिक करना है, जो भी सही होगा, ठीक है। गाइस पेपर होने के बाद आपका इसमें होना है भाई ट्रेड टेस्ट। गाइस देखिए, अगर आप दोस्तों वेटनरी या फिर भाई कारपेंटर, आप प्लम्बर की पोस्ट फिलअप कर रहे हो, गाइस आपका होना है ट्रेड टेस्ट। अगर आप दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट फिलअप कर रहे हो, आपका होना स्किल टेस्ट, मतलब ड्राइवर टेस्ट। और गाइज देखिए, ये भाई ओनली क्वालिफाइड नेचर है, आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले मेरे भाइयों के कि सर हमें ट्रेड टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको गाइज मैं साफ साफ बता दूं, आपकी जो लिस्ट बननी है गाइज फाइनल मेरिट लिस्ट, आपके रिटर्न पेपर के हिसाब से ही बनेगी, उसके आधार पे ही बनने वाली है, ठीक है भाई। जो आपका डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। आगे इस बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। भाई देखिए, ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट जो भी बंदे क्वालिफाई करेंगे, जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड करेंगे ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट, उनका फिर होगा मेडिकल टेस्ट। और गाइज जो अभ्यर्थी मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, उनको एक चांस और दिया जाएगा, उनका गाइज री मेडिकल फिर से होएगा, जिसको हम गाइज री मेडिकल टेस्ट बोल देते हैं। री मेडिकल होने के बाद दोस्तों जो बंदे पास हो जाएंगे गाइज, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। भाई आपकी लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, आपका सिलेक्शन किसी प्रकार से होना है एसएसबी ड्राइवर में, ठीक है। एंड गाइज आगे बात करते हैं एसएसबी कॉन्स्टेबल ड्राइवर 2020 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। मुझे बहुत सारा कमेंट मिला कि सर हमारे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो गाइज इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सीरियल नंबर 1, एग्जाम टाइप रिटर्न एग्जाम आपका दोस्तों होना है पेपर 1। गाइज देखिए, कई बार मुझे ये डाउट था कि सर इसमें हमारे पेपर 2 होते हैं या फिर 1 होता है। आपका गाइज ओनली एक पेपर होना है, 2 पेपर आपके भाई नहीं होने हैं। एक पेपर होने के बाद आपका दोस्तों इसमें होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है, जिसको हम गाइज स्किल टेस्ट कह देते हैं, ट्रेड टेस्ट कह देते हैं। गाइज दोनों एक ही होता है। और गाइज यहाँ पे देखिए, अगर हम दोस्तों बात करें आपसे किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गाइज यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज आपसे दोस्तों जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड गाइज आगे देखिए, एप्टीट्यूड मतलब दोस्तों मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से। एंड गाइज आगे देखिए थर्ड नंबर पे जनरल हिंदी एंड इंग्लिश। अब मुझे बहुतों का ये डाउट था कि सर हमसे हिंदी इंग्लिश दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर एक से पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको वहां पे 25 क्वेश्चन मिलेंगे हिंदी के, 25 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। गाइज वो आपके ऊपर डिपेंडेड है, आपकी हिंदी अच्छी है फिर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आपको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग वो गाइज क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप दोस्तों हिंदी चूज करते हो, इंग्लिश चूज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। लेकिन दोस्तों आपको इनमें से करना एक ही सब्जेक्ट है, दोनों नहीं करने हैं। आगे इस बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। भाई रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 25 25 25, आपके भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 बन जाते हैं। आप टोटल मार्क्स आपके 100 ही हैं।
अगर हम दोस्तों बात करें टाइम ड्यूरेशन के बारे में, आपको दोस्तों पेपर सोल्व करने के लिए 2 घंटे दिया जाएगा वापस समय। आगे दोस्तों बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट में 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन वापस सोल्व करने हैं ट्रेड टेस्ट में। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेड टेस्ट आखिर कौन कौन अभ्यर्थी पास कर पाएंगे। देखिए गाइज, अगर आप ट्रेड टेस्ट में 60% मार्क्स ले लेते हो, आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोस्तों 60% से कम मार्क्स लेके आ रहे हो ट्रेड टेस्ट में, आपको दोस्तों ट्रेड टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और गाइज देखिए, ट्रेड टेस्ट के गाइज नंबर आपके फाइल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे, ये आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर रहने वाला है ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, ठीक है। इस बात पे गाइज आपका बहुत सारा कमेंट था मुझे कि सर हमारे नंबर जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, तो भाई आपके नंबर नहीं जोड़ेंगे, आपकी जो लिस्ट बनेगी फाइल मेरिट लिस्ट वो आपके रिटर्न पेपर के हिसाब से बनने वाले, उसके आधार पे बनेगी, ठीक है गाइज। ये आपका डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी दोस्तों आपका कुछ भी डाउट बचे, आपको क्या करना है वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मैं आपका दोस्तों 100% रिप्लाई करूंगा। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का एक लाइक करना तो बनता है, तो क्या कर रहे हो वीडियो को दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इनका जाके देखिए मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स फॉर रिटर्न एग्जाम। अगर आपकी दोस्तों बात करें रिटर्न पेपर के बारे में गाइज, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन, अगर आप दोस्तों इन सब कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आपको दोस्तों रिटर्न पेपर में 50 नंबर लेना बहुत ही जरूरी है 50% मार्क्स। अगर आपकी दोस्तों कास्ट एससी एसटी है, आपको गाइज 45% नंबर लेना बहुत ही जरूरी है, तभी गाइज आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल लेटर आएगा, स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आपको दोस्तों जरूर आएगा, अगर आप गाइज इतना नंबर ले लेते हो अपने रिटर्न पेपर में, ठीक है। एंड गाइज आगे बात करते हैं एग्जाम सिलेबस फॉर ड्राइवर पोस्ट। आपकी दोस्तों सिलेबस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड जीके के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। एंड गाइज देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, हिस्ट्री इंडिया की भाई आपको आनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी आपको दोस्तों आनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपको दोस्तों आनी चाहिए, अभी गाइज हाल ही में कौन किसने क्या क्या जीता है क्या क्या हारा है, गाइज आपको इंडिया के बारे में टोटली पता होना चाहिए। एंड गाइज आगे देखिए, द इंडियन इकोनॉमी आपको भाई पता होनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए गाइज, आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, इंडिया के स्पोर्ट्स के बारे में आपको भाई ज्ञान होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पर्सनैलिटीज इन न्यूज भाई मतलब गाइज कौन कौन गाइज अब किस किसने गाइज नया रिकॉर्ड तोड़ा उनके बारे में आपको गाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए जीके में, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ के बारे में, आप दोस्तों वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, मैं गाइज आपको शॉर्ट में सब कुछ आराम आराम से बता रहा हूँ। गाइज यहाँ पे देखिए गाइज, मैथमेटिक्स में आपको भाई डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको दोस्तों आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रॉब्लम्स और नंबर आपको पता होना चाहिए गाइज, क्लोक्स वाला चैप्टर आपको भाई आना चाहिए, कंपाउंड यहाँ पे गाइज देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दोस्तों आना चाहिए, ऑपरेशन और नंबर भाई आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस आपको दोस्तों आना चाहिए, बैंकर डिस्काउंट भाई आपको पता होना चाहिए, ड्रेस एंड प्रोफेशन भाई आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क आपको गाइज आना चाहिए, एरिया हाइट एंड डिस्टेंस ये भाई आपके चैप्टर है मैथ्स के जो गाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोस्तों इन सबको पढ़ के जाते हो, आप दोस्तों पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो, ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करें हिंदी और इंग्लिश के बारे में, ये गाइज आपके जो चैप्टर आप देख रहे हो ये गाइज आपके इंग्लिश के हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर स्पॉटिंग, सिनोनियम, वोकैबुलरी टेस्ट, प्रोनाउन, वर्बल एबिलिटी, टेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है गाइज। ये आपका भाई प्रेजिज, वर्ब, डेडियम, प्रेजिज, एंटोनियम, सिनोनियम, ये भाई आपको इंग्लिश में आना चाहिए। अब मुझे बहुतों का ये डाउट मिलेगा, सर हम हिंदी में क्या पढ़ें? देखिए गाइज, हिंदी में भाई आपको कुछ भी ज्यादा नहीं आता, हिंदी में बहुत नॉर्मल आपका पेपर आने वाला है, हिंदी का जो भी क्वेश्चन होता है वो भाई बहुत सिंपल होता है। आपको दोस्तों क्या आना चाहिए, आपको गाइज संधि, सवर्नाम, ठीक है, सवर, व्यंजन, भाई आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए। गाइज देखिए, वाक्य का शुद्धिकरण आपको जरूर आना चाहिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है भाई आपको ये पता होना चाहिए। गाइज ज्यादा आपका हिंदी में कुछ भी नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नॉर्मल आता है, आप आराम से हिंदी को सोल्व कर लोगे, लेकिन गाइज इंग्लिश गाइज काफी टफ होती है भाई, इसको आप आराम से पढ़िएगा, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है आप दोस्तों इन सब चैप्टर पे ध्यान दोगे इंग्लिश में, ठीक है। एंड गाइज आगे दोस्तों बात करते हैं हम जनरल रीजनिंग के बारे में, आपको दोस्तों वर्बल, नॉन वर्बल पता होना चाहिए, एनालॉजीज पता होना चाहिए गाइज, सिंपलिटी आपको पता होना चाहिए, डिफरेंसेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए आपको दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आना चाहिए, रिलेशनशिप गाइज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कंप्यूटेशन के बारे में पता होना चाहिए गाइज, वेन डायग्राम गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये भाई आपका काफी इंपॉर्टेंट था जो गाइज मैंने आपको बताना जरूरी समझा, आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, क्योंकि का मुझे बहुत सारा कमेंट था कि सर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या हमें कवर करना है क्या कवर नहीं करना है, तो गाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब दोस्तों बात करते हैं गाइज नेगेटिव मार्किंग के बारे में, वो है या नहीं है, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा यही छिड़ता है
कि सर जब हम पेपर देने जाएंगे हमारी वहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो गाइज आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खुशखबरी है भाई, आपकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होने वाली है भाई। आपको बिंदास होकर पेपर सोल्व करना है अपना, आपके दोस्तों कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है दोस्तों। भाई आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप एकदम स्ट्रिक रियल जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइज, अगर आप दोस्तों एसएसबी के रिगार्डिंग और भी अच्छी जानकारी लेना चाहते हो, आप हमारा चैनल एक्सपर्ट नॉलेज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच।